उत्तर प्रदेश जिला के फैजाबाद के मुख्य जिलाधिकारी कार्यालय में जहां आज हिंदी युवाणी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी नेहा शर्मा को पानी की समस्या का ज्ञापन सौंपा और कहा अगर ये सब पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम रोड हाईवे जाम करेंगे, मोर्चे निकालेंगे, आज स्ट्राइक पर बैठेंगे। और हमारे जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने हिंदी युवाणी के कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि समय पर पानी की व्यवस्था की जाएगी और आपकी मुख्य मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी तरह चल रहे हैं क्या नाम आपका सर? ओम तिवारी। आप किस मेडल से यहाँ पे आए हैं? ये हमारी इंदिरा कॉलोनी में पानी की समस्या बोले कुछ हफ्तों से लगातार पानी की समस्या चल रही है। कुछ प्राइवेट तौर पे कुछ टैंकर मंगा लेते हैं अपने स्पेशल तौर पे और एक टैंकर से अपना जितना पानी भरा गया उतना भर लिया और पानी के टैंकर को वापस कर देते हैं, पैसा दे दिया ले दिया, उससे तो इनके काम चल रहे हैं। पूरे मोहल्ले की जनता परेशान है और पिछले जब से इंदिरा कॉलोनी है पानी की पाइपलाइन है थोड़ी ऊपर तो वहाँ पे कोई भी ट्यूबवेल की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसी सिलसिले में आज जिलाधिकारी महोदया को हमने ज्ञापन दिया है जिससे मोहल्ले के निवासियों की समस्या का निवारण हो सके। किस किस मोहल्ले में पानी की समस्या हो रही है? अभी अपने इंदिरा कॉलोनी में, संतोष नगर में भी काफ़ी समस्या है, इन दो मोहल्लों में प्रमुख है, जगदम्बा नगर में भी समस्या है और ठारकूटा पर भी है, पर टैंकरों की कमी भी है तो जिसके कारण समस्याएँ लगातार चली रही हैं। और किसी अधिकारी को फोन करो, फोन नहीं उठा दे कोई अधिकारी। क्या नाम है आपका सर? अंकित जोशी। किस किस अधिकारी को फोन किया? आप इस हिंदू युवाणी के संगठन में किस पद पर हो? महानगर प्रभारी। इसके अध्यक्ष का क्या नाम है? भारत सिंह, महानगर। आपने किस किस अधिकारी को पानी की समस्या को लेकर फोन किया है? सुबह से तीन बार मैंने फोन किया, जेई जल निगम उनका कुछ 78 करके नंबर है, तीन बार रिंग का उनके कॉलर टून पे बजता भी गाना और तीन चार बार जाने के बाद अभी तक लगातार लास्ट में जब नहीं उठा तब नोट में डीएम साहब के ज्ञापन में भी मैंने लिख दिया जेई जल निगम, लगातार फोन करने के बावजूद भी फोन नहीं उठाते। तो आपको क्या लगता है नया मैम इस प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे? हाँ, इन पर मुझे पूरा भरोसा है, जिलाधिकारी महोदया से काम से पूरी फिरोजाबाद जिला की जनता खुश है और मैं मानता हूँ कि मेरे इंदिरा कॉलोनी के निवासी भी इनसे खुश हो। Thank you.